कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। भारत के चंद्रयान 3 के चांद पर सफलतापूर्वक लैंड होते ही पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। इसरो ने बुधवार की शाम 6:04 पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। भारत ही नहीं दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए ये गौरव का क्षण था। भारत का यह तीसरा मून मिशन था। चंद्रयान मिशन की शुरुआत आज से 20 साल पहले हुई थी, जब भारत ने चांद को लेकर अपने पहले मिशन को भेजा था। साल 2003 में शुरू की गई इस मुहिम में से बाद में 3 यान भेजे जा चुके हैं। पहली बार साल 2008 में वो पल था जब भारत चांद पर पहुंचा था। पहले मिशन में कुछ ऐसा हुआ था जो इतिहास बन गया। दरअसल 15 अगस्त साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। लाल किले से हुए इस ऐलान के बाद इसरो तैयारी में जुट गया। घोषणा के तकरीबन 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर साल 2008 को पहली बार श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की थी। उस वक्त केवल 4 देश जो कि अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान थे जो चंद्रमा तक अपना मिशन पहुंचाने में कामयाब रहे थे, और इसी श्रृंखला में अगला नाम जुड़ा भारत का। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्र के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता रहा। अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के कई वैज्ञानिक काम कर रहे थे। सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों के सफल समापन के बाद मई 2009 के दौरान कक्षा को 200 मीटर तक बढ़ा दिया गया था। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों तरफ तकरीबन 3400 से ज्यादा परिक्रमाएं की थी और मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ इसरो का कनेक्शन टूट गया। कई प्रयास के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद 14 नवंबर 2009 को चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन तब तक उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। चंद्रयान 1 का डाटा आज भी इस्तेमाल किया जाता है और उस डाटे में चांद में बर्फ होने की पुष्टि हुई थी। जिस स्थान पर चंद्रयान 1 पहुंचा था उस जगह का नाम भारत सरकार ने जवाहर पॉइंट रख दिया था। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है। ये पहला मौका था जब चांद पर भारत की धमक दिखाई दी थी। उसके बाद साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन की लॉन्चिंग की थी। हालांकि लैंडिंग से पहले ही इसरो का संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने में विफल रहा था। तब इसरो कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसरो पहले समझने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ, उसके बाद अगले कदम का फैसला करेगा। और अब इसरो तीसरी बार चांद पर प्रयास करते हुए कदम रख चुका है। भारत का तीसरा मून मिशन यानी चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड होकर इतिहास रच चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।